अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मेराज फातिमा आज बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो रहेगी चूरोज। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अब तक आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट करे हैं, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अब मेरे कुकिंग जो वीडियोज रहेंगे हम आगे इसे ले जाएंगे। बच्चों के स्कूल्स भी कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं, थोड़ा बिजी हूँ लाइफ में। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने वाले हैं कुछ मीठा। सोची कि इतने दिनों के बाद आप लोग के लिए कुछ मीठे से स्टार्ट करूं, तो आज हम बनाएंगे चूरोज। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं चूरोज बनाना। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे जो न्यू रेसिपीज आते हैं आप लोग से मिस ना हो और आप लोग उसको बनाकर मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना चूरोज। उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट करिए, ये है फर्स्ट इंग्रेडिएंट शुगर जो कि 2 टेबल स्पून है, 1 एग, 2 पिंच खाने वाला सोडा एंड 2 पिंच सॉल्ट। हमें बटर लगेगा 50 टू 55 ग्राम्स। पानी हमें लगेगा 250 ml। हाफ टीस्पून हमें लगेगा, ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, आप उसको हाफ स्पून डालें। हाफ कप लगेगी हमें क्रीम, 100 ग्राम्स चॉकलेट जो कि मैंने इस तरीके से पीसेस बनाकर रख लिए हैं। जी मैदा हम लेंगे 140 ग्राम्स, एग्जैक्टली आप उतना ही लें ताकि जो है सो अच्छा कुक हो। सेम इंग्रेडिएंट्स अगर परफेक्ट होंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे हमारे चूरोस। अगर आपको 140 ग्राम्स लेने में तकलीफ हो रही है तो 1 कप आप मैदा ले सकते हैं। ये है शुगर और सिनेमन पाउडर, ये मैंने ले लिया है शुगर 4 टेबल स्पून, इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने जस्ट 1/4 स्पून सिनेमन पाउडर मिक्स करके रेडी कर लिया है और हमें लगेगा फ्राइंग करने के लिए ऑयल। चलिए शुरू करते हैं चूरोस बनाना। एक आप भगोना से ले लीजिए, पतीला सा, हम उसमें पानी डालेंगे, बटर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और शुगर जो मैंने 2 टेबल स्पून कहा था वो वाला डालेंगे। इसमें अब बॉईल आना है जब हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे, बॉईल आए तक फिर मिलते हैं। ये हमने मिला लेना है सोडा, फिर उसके बाद ये बॉईल हो जाने के बाद हम इसको बंद कर दें। सॉरी मैंने आपसे कहा था 2 टेबल स्पून शुगर, इंग्रेडिएंट्स में भी मैंने 2 टेबल स्पून कहा था, एक्चुअली मैंने लिया है 1 टेबल स्पून शुगर। तो आप गो थ्रू हो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने आप लोग से इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ ना, उसको आप जरूर चेक करें इंग्रेडिएंट्स के लिए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें कुकिंग। चलिए अब मैंने इसमें मैदा और जो सोडा मैंने खाने वाला लिया था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। लम्स अगर इसमें होते हैं परवाह नहीं, लास्ट जो हम जब एग मिक्स करेंगे तब लम्स इसमें नहीं होना चाहिए। वो बॉईल करता हुआ पानी जो हमने स्टोव बंद कर दिया था उसके बाद मैदा डाला था ना, वेरी क्विकली ये स्टेज पे आ जाता है, तो आप इसे घबराइए मत, मिक्स करते रहिए। थोड़ा हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है, उसके बाद हमने इसको एग्स मिक्स करने का है। जी वो बॉईल करते हुए पानी में हमने स्टोव बंद कर दिया था, उसके बाद हमने मैदा मिक्स किया था ना, उसके बाद का ये स्टेज है, वेरी फास्ट होता है, आप इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते रहे। और अब इसमें हमने डालना है वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड एग, लेकिन इसको हमने करना है थोड़ा सा नॉर्मल, लाइक बिल्कुल एकदम गर्म ना हो और ना ही एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसमें हमने इसको एग्स और वेनिला डाल के मिक्स करना है इसी तरीके से जो मैंने मिक्स कर रही हूँ इसको। 1 एग एक सेपरेट बाउल में हम ओपन कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट, इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि एग और वेनिला अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब इसको हम डालते हैं हमारे मैदा वाले बैटर में, अब इसको अच्छे से मिक्स करके पाइपिंग बैग में डालेंगे। देखिए ये हमारा डो टाइप रेडी हो चुका है, अब इसको हमने डालना है पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग में रेडी कर लीजिए और पैन में आप ऑयल भी फ्राई करने के लिए चूरोस को पैन में ऑयल डाल के रेडी कर लीजिए। चलिए पाइपिंग बैग में डाल के मैंने इसे तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमने इसके लंबे लंबे चिप्स की तरह कट कर लेने हैं, ऑयल में फ्राई कर लेना है इसे हमने।
जरा धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक ये अच्छे से होंगे। एक छोटा सा पैन ले लीजिए, उसमें हमने डालना है 125 ml क्रीम। इसको अब हमने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जो हमने चॉकलेट तैयार की हुई है उसमें डाल के एक 5 मिनट छोड़ देंगे, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, उसको मिक्स कर लेंगे तो हो जाएगा ये चॉकलेट गनाश तैयार। देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बॉईल आ चुका है इसमें, अब मैं इसको डाल दूंगी चॉकलेट में। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हमने इसको फ्राई कर लेने का है और इसको डेफिनेटली हमें पेपर टॉवल पर डालना जरूरी है, और डालने के बाद ज्यादा देर तक पेपर टॉवल पर छोड़ भी ना दें। इसको ना बिल्कुल ड्राई रखना है ना ही ऑयल में वेट रखना है, बस खाली इसका ऑयल छूट गया उसके बाद हमने इसको शुगर में थोड़ा गर्म रहे जब तक ही शुगर में हम डाल देंगे तो शुगर अच्छे से इस पर कोट हो जाएगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ शुगर कोट करके इसको। देखिए हमारे चूरोस बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इसे बनाइए, ट्राई करिए, शेयर करिए मुझसे आप लोग का एक्सपीरियंस। और अब मैं लेती हूँ इजाजत, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे जो न्यू रेसिपीज आते हैं आप लोग से मिस ना हो, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय द फूड।